हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो ओलंपिक क्वालिफायर का मैच होने वाला है रशिया वर्सेस जर्मनी के बीच में। ठीक है, जो सबसे पहले चीज़, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो यूट्यूब के, ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और जो आपको बेल आइकॉन दिखेगा राइट साइड में नीचे, उसको आपको प्रेस जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि जो मैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल की वीडियोज़ डालूंगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग प्लस लाइनअप और इंजुरी, ये सारे आपको न्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे यूट्यूब के चैनल के वीडियोस पर। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस, और जैसे मैंने कहा कि बेल आइकॉन को आपको प्रेस जरूर करना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको टाइम टू टाइम उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़, अगर आप गाइस टेलीग्राम यूज़ करते हो, ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अगर लास्ट मिनट में कुछ लाइनअप में चेंजेस होती है, इंजरी न्यूज़ आती है, तो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल रोहित ट्रीटमेंट रिव्यूलर में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो सीधा बात करते हैं आज के मैच की, रशिया वर्सेज जर्मनी की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैट्स, रशिया के स्टैट्स देखेंगे। देख सकते हैं रशिया 72-64 से लास्ट मैच हारी है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, स्टार्टिंग लाइनअप में थे वोरोनसोविच, बाबुरिन, स्ट्रेपकोव, अस्तापकोविच, मोजगो। ठीक है, वोरोनसोविच बेस्ट परफॉर्मर थे उस मैच में, 29 मिनट्स खेले थे, 11 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 1 स्टील। बाबुरिन 27 मिनट में 5 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 स्टील्स। स्ट्रेपकोव 19 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। अस्तापकोविच देख सकते हो 15 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट। मोजगो 11 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 2 ब्लॉक। ठीक है, अनोटोव खेले थे बेन से 23 मिनट, 13 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील, बराबर है। उसके बाद में कादांग शिवली 22 मिनट में 6 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील्स। इवलेव का परफॉर्मेंस 17 मिनट में 6 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड। बाद में कुलागिन 16 मिनट में 7 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। उको 13 मिनट में 7 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 स्टील। कोमोलोव 8 मिनट में 3 पॉइंट्स उसने अपने टीम के लिए स्कोर किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया रशिया के स्टैट्स। अभी हम लोग गौर करेंगे जर्मनी के स्टैट, 82-76 से विन किया लास्ट मैच जर्मनी। परफॉर्मेंस देखेंगे, लाइनअप में थे वोगिटमैन, बोंगा, ऑप्स्ट, लो, पार्थल। ठीक है, वोगिटमैन 30 मिनट्स खेले थे, 10 पॉइंट्स, 10 रिबाउंड, 5 असिस्ट के साथ। बोंगा देख सकते हो 27 मिनट खेले थे, 13 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, 1 ब्लॉक। ओप्स 26 मिनट खेले थे, 11 पॉइंट्स, 1 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में है एम लो 17 मिनट्स में 7 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। यानी लो बार्थल 14 मिनट्स में 4 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट। बाद में साइबो 25 मिनट में बेंच से खेले गए, 17 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील्स। गिफी 20 मिनट्स में 3 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड। थीमैन 19 मिनट में 6 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड्स, 2 असिस्ट, 2 स्टील्स। मोए वैगनर 17 मिनट में 11 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 स्टील। बेंजिंग 5 मिनट में 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिए स्टैट्स जो थे जर्मनी के लिए। सीधा हम लोग अभी गौर करेंगे हमारा जो टीम का प्रीव्यू होगा ये मैच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके लिए अवेलेबल होगा पॉइंट गार्ड सेक्शन। पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको दिखेंगे खेलते हुए साइबो, बोंगा, बाबुरिन, स्ट्रेपकोव। ठीक है, तो गाइस साइबो और बोंगा दोनों भी आपके लिए मस्ट पिक है, आपके लिए स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने पिक किया है। शूटिंग गार्ड सेक्शन से आपको दिखेंगे खेलते हुए ओप्स्ट, गुलागिन दिखेंगे, उखो दिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं गया हूँ ओप्स्ट के साथ। बाद में एसएफ सेक्शन से आपको दिखेंगे खेलते हुए एनोटोनो, कार्दिंग शिवली। बाद में है थीमैन, एमलो भी स्टार्ट करेंगे, बेंजिंग, ये आपको सब खेलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं कार्दिंग शिवली को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। बीएफ सेक्शन से वोरोनसोविच मस्ट पिक है, मोए वैगनर आपको यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे, अस्तापकोविच आपको यहाँ से खेलते हुए दिख जाएंगे, बार्थल भी यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे आपको, और सेंटर सेक्शन से वोगिटमैन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो अभी प्लेयर सिलेक्ट करना है मोस्ट प्रोबेबली वही आपको डिसाइड करेगा आपका विनिंग, क्योंकि ये जो होने वाली है बेस्ट टीम होने वाली है। ठीक है, मतलब बेस्ट मतलब यही सब प्लेयर सिलेक्ट करेंगे आपके ओपोनेंट में भी। ठीक है, तो लास्ट प्लेयर में आपको सिलेक्ट करना है बाबुरिन, स्ट्रेपकोव दो सिलेक्शन यहाँ से हो गए। ठीक है, यहाँ से कार्दिंग शिवली 3 सिलेक्शन, अस्तापकोविच 4, या सेंटर सेक्शन से मोजगो। तो इतने से 5 में से ऑप्शन आपको मैंने अवेलेबल प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो आप एज अ 8 प्लेयर करके। ठीक है, तो एसपीपी के लिए अगर आपको बताऊँ तो वोरोनसोविच बेस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि ये बहुत रिबाउंड वगैरह भी करते हैं, पॉइंट्स असिस्ट सब एग्रेसिव है बहुत, तो वोरोनसोविच के साथ ही जाऊँगा।
पीपी के लिए अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप से प्लेयर स्विच करना चाहते हो तो भोंगा आपके लिए सेफ होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं साइबो को रख रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। वोगेटमैन भी गाइस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो साइबो या फिर वोगेटमैन सेफ रहेगा ऐसे पीपी के लिए, रिस्की रहेगा साइबो, ठीक है। तो वो आपको सिलेक्ट करना है आपको किसके साथ जाना है। तो गाइस ये मेरे कुछ होने की टीम वाली रिव्यू बिफोर द लाइनअप। फाइनल लाइनअप में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो टेलीग्राम चैनल विद 8 मिनट ड्रीम इलेवन पे मैं अपडेट कर दूंगा। सो गाइस आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। डू यूर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।